तो ये देखो भाई कितना ज्यादा नीचे हाइट है और हम बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे हैं। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी के सभी? होप के आज सारे भाई लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग मैं आ चुका हूँ यहाँ पर आज के दिन टाउन हॉल। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने बोला था कि भाई टाउन हॉल पर जाओ और टाउन हॉल की वीडियो बनाओ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर बहुत दिन से नहीं आया। तो आप लोगों के कमेंट मिले और लोगों ने बोला कि जाके देखो, तो भाई मैंने भी सोचा चलो भाई इसी बहाने, फरकाबाद में रहते हैं बहुत दिन से गए नहीं, तो इस बार घूम भी लेंगे। तो हम आए हैं आज टाउन हॉल। तो देखो ये भाई टाउन हॉल का पूरा नीचे का व्यू है और ये भाई पीछे का। तो अभी हम आपको चलेंगे अंदर, पूरा टाउन हॉल का एरिया दिखाने वाले हैं भाई कैसा कहता है यहाँ पर, कितनों दिनों बाद चेंजमेंट हुआ है। तो चलो यार ज़्यादा बातें करते हैं, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कहाँ पे खड़ा हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ सेकंड, ये देखो ये भाई पूरा दीवार के ऊपर खड़ा हूँ और ये पीछे पूरा टाउन हॉल है और ये पूरा उसके नीचे का एरिया है। और जैसे कि एक सेकंड मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये जो दिख रही है ना ये छोटी कॉलोनी है ना, और एक जो मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल यहाँ से नीचे साइड के दूर को, वो जो दिख रही है वो सामने वो वाली वो है बड़ी कॉलोनी, गड़िया कॉलोनी। जितने भी यहाँ पर टाउन हॉल पर आए होंगे उनको ज़रूर पता होगा और फरकाबाद में जो जो रहते हैं ना। तो ये देखो भाई कितना ज़्यादा नीचे हाइट है और हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अपने आपको पता ही होगा कि टाउन हॉल कितने ज़्यादा ऊंचाई पे अपना बना हुआ है। तो भाई पूरा नीचे का व्यू है और एकदम मस्त लग रहा है भाई, एकदम ऊंचाई पे और हवाएं बड़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं। वैसे है तो ठंड पर मज़ा तो एक नंबर आ रहा है, तो देख ही सकते हो। और अभी देखते हैं भाई इतने दिन बाद टाउन हॉल आए हैं तो घूमने का मज़ा भाई कैसा रहता है, जितना हो सकेगा हम आपको दिखाएंगे। तो चलो देखते हैं अभी। तो भाई लोग आप देख सकते हो भाई ये है हमारे टाउन हॉल के झूले, जिनको हम झूला बोलना उनके लिए भाई इंसल्ट सी कह सकते हैं, क्योंकि भाई अब जो झूले कम कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा है। तो जब हम आते थे ना तब ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं थी भाई, एकदम अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते थे और सारे एकदम प्रॉपर चलते थे। अब यहाँ से देखो भाई झूला बिल्कुल गायब हो गया, ठीक है ये देखो कुछ है ही नहीं इसमें, और ये भी बिल्कुल ऐसा ही, मतलब भाई फरुखाबाद है आपको पता ही होगा कि यहाँ पर भाई कैसा मेंटेनेंस हर चीज़ का चलता है भाई। यहाँ पर सब अपना अपना देखते हैं, पर रही बात किसी और को देखना या फिर जो अभी अपने फरुखाबाद के भाई उसका कोई नहीं देखता, बस अपने से मतलब है। तो खैर हम लोग को क्या भाई, ये जो पेड़ है ना ये पहले इतना बड़ा तो फिलहाल नहीं था, मेरे को जहाँ तक याद है मैं बहुत दिन पहले आज से 2-3 साल पर कोविड से पहले, मतलब बोल सकते हो कोविड से पहले ही मैं यहाँ पर आया था। अब कोविड हो चुका है पूरा कंप्लीट और थोड़ा लॉकडाउन खुल गया तो अब आया हूँ मैं। ये जो पेड़ है ना थोड़ा छोटा था पर अब ये पूरा बहुत अच्छी तरीके से, मतलब देखो कितना बड़ा हो चुका है। और ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ठीक किया गया मेंटेनेंस वगैरह और रोड्स वगैरह, ये भी मुझे कुछ नया देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो देख ही सकते हो भाई ये है टाउन हॉल का कुछ ऐसा सीन, और ठीक है भाई ऐसे ही कुछ है भाई, देखो देखने में तो अच्छा लग रहा है, पहले से तो फिलहाल ठीक ही कर दिया गया, ये भाई बहुत खुशी की बात है ना। A few moments later. तो भाई लोग जैसा कि यार आप देख सकते हो यहाँ पर टाउन हॉल से निकल रही है भाई रैली, और ज़्यादातर भाई इसमें तो बुलेट ही नज़र आ रही है जैसा कि यार आप सब भी देख ही सकते हो, और पीछे भी बहुत सारी बाइकें लगी हुई हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पर अभी आप देख सकते हो जब रैली स्टार्ट होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे हमारा जो तिरंगा की व्यवस्था है उसमें सहयोग हो सके। तो भाई लोग यार जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से जो रैली निकल रही है अपने टाउन हॉल से, इसमें भाई स्कूल की जितनी भी सारे गर्ल्स हैं ना इनको एक अपने भारत का बहुत ही बड़ा झंडा, जी हाँ भाई लोग बहुत ही बड़ा झंडा पकड़ाया गया है। अभी मैं देखो आपका पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से देखो स्टार्ट होता है, ये देख सकते हो, और भाई बिल्कुल एंड तक वो देखो पीछे तक। तो भाई लोग जैसा कि मुझे अभी पता चला है कि ये जो अपना भारत का झंडा है ना वो पूरे 150 मीटर का है, जी हाँ भाई लोग पूरे 150 मीटर का झंडा है। और भाई मैंने आपको बताया था कि देखो यार बहुत ही दूर है यार, बिल्कुल ही जब टाउन हॉल जो स्टार्ट होता है ना अपने फरुखाबाद का जो टाउन हॉल है बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट हो गया, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया भाई। देखो
यहाँ बिल्कुल लास्ट खत्म होता है। तो भाई लोग ये था अपने फरुखाबाद के टाउन हॉल का टूर, तो जैसा था भाई मैंने दिखाया और बहुत कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो ऐसा कुछ था भाई देखो मैंने दिखा दिया। और तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड लव यू कन्नू फैम।